हेलो गाइस, आज हमारा 11th लेक्चर है एंटोमोलॉजी का, और इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं इंसेक्ट के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे मेन पार्ट है एलिमेंट्री केनाल। इंसेक्ट में जो एलिमेंट्री केनाल है वो लॉन्ग होती है, मस्कुलर होती है, ट्यूबुलर होती है, और ये माउथ से एनस तक एक्सटेंड रहती है। एलिमेंट्री केनाल को तीन डिफरेंट रीजन में डिवाइड किया है, फोरगट, मिडगट और हाइंडगट। फर्स्ट वाले पार्ट को फोरगट बोलते हैं, सेकंड वाले पार्ट को मिडगट, और लास्ट जो पार्ट होता है उसे हाइंडगट बोलते हैं। फोरगट फोरगट जो है एक्टोडर्मल ओरिजिन का होता है, और ये एक्टोडर्म के एंटीरियर इन्वेजिनेशन से फॉर्म्ड होता है। फोरगट को ही स्टोमोडियम भी बोलते हैं। फोरगट में इंटरनल क्यूटिकुलर लाइनिंग पाई जाती है, और जो टर्मिनल माउथ पार्ट से है इसका प्री ओरल कैविटी तक जाता है इसको। एपीफेरिंग्स और हाइपोफेरिंग्स को साइबेरियम बोलते हैं, और जो प्री ओरल कैविटी होती है हाइपोफेरिंग्स और सलाइवरी डक्ट के बीच में उसे सलाइवेरियम बोलते हैं। माउथ पार्ट के पीछे एक वेल मस्कुलेटेड ऑर्गन होता है जिसे फेरिंग्स बोलते हैं, जो इसोफेगस में फूड को पुश करने का काम करता है। फेरिंग्स जो है वो सकिंग पेस्ट में, सकिंग जो फीडर्स होते हैं उनमें सकिंग पंप की तरह काम करता है। जो सेफ फीडर इंसेक्ट होते हैं उनमें ये सकिंग पंप की तरह काम करता है फेरिंग्स। इसोफेगस एक नैरो ट्यूब होता है जो कि फूड को क्रोप में ले जाने का काम करता है। इसोफेगस जो है फूड को क्रोप में ले जाने का काम करता है, और ये नैरो ट्यूब होता है। क्रोप इसोफेगस का एक डिस्टल पार्ट है जो कि फूड रिजर्वोयर की तरह यूज किया जाता है। फीड जो फूड को रिजर्व करने का काम करता है, फूड को अपने आप मतलब फूड को स्टोर्ड करता है ये क्रोप। हनी बी में क्रोप को हनी स्टमक बोलते हैं, ये नेक्टर के कन्वर्जन के लिए यूज किया जाता है। प्री वेंटिकुलर और गिजार्ड जो है ये पोस्टेरियर पार्ट होते हैं फोरगट के, और ये मस्कुलेटेड रहते हैं, मस्कुलेटेड भी होते हैं ये। गिजार्ड और प्रोवेंटिकुलर जो है वो सॉलिड फीडर इंसेक्ट में पाए जाते हैं, और ये जो फ्लूड फीडर इंसेक्ट है, जो सेफ फीडर इंसेक्ट है, उनमें ये अब्सेंट होता है। जो फूड का फ्लो है फोरगट से मिडगट के बीच में ये रेगुलेट होता है कार्डियल या फिर इसोफेगियल वॉल्व के द्वारा, यानी कि फोरगट और मिडगट के बीच में एक वॉल्व होता है जिसे कार्डियल और इसोफेजियल वॉल्व बोलते हैं। इंटरक्यूटिकल जो है गिजार्ड की, उसमें बहुत सारे मॉडिफिकेशंस होते हैं, वो इस प्रकार है। जैसे कि टीथ लाइक होता है कॉकरोच में, टीथ लाइक मॉडिफिकेशन कॉकरोच में होता है जो कि फूड को ग्राइंड करने का काम करता है। हनी बीज में प्लेट लाइक होता है जो कि पोलन ग्रेन को नेक्टर से अलग करने का काम करते हैं, और जो फ्ली होती है उनमें ये स्पाइन लाइक होता है जो कि ब्लड कार्पसल को ब्रेक करने का काम करती है। इसके बाद है मिडगट। मिडगट एंडोडर्मल ओरिजिन का होता है, इसे मेसेंट्रोन भी बोलते हैं, और इसमें कोई भी क्यूटिकुलर लाइनिंग नहीं पाई जाती है। मिडगट थ्री एपिथेलियल सेल से बना होता है, थ्री टाइप की एपिथेलियल सेल से बना होता है। फर्स्ट सेक्रेटरी सेल जिसे कोलुमनार सेल भी बोलते हैं, सेकेंड है गोबलेट सेल जो कि एज्ड सेक्रेटरी सेल भी बोलते हैं इसे, थर्ड है रीजनरेटिव सेल जो कि सेक्रेटरी सेल को रिप्लेस करने का काम करती है। कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो कि मिडगट में पाए जाते हैं वो है, पहला है पेरिट्रोफिक मेम्ब्रेन, ये एक इंटर लाइनिंग होती है मिडगट में, एक इंटरनल लाइनिंग जो होती है मिडगट में उसे पेरिट्रोफिक मेम्ब्रेन बोलते हैं, जो कि मिडगट इपिथेलियल सेल से सेक्रेट होती है। पेरिट्रोफिक मेम्ब्रेन जो है सॉलिड फीडर्स में प्रेजेंट होती है, और सेफ फीडर इंसेक्ट जो होते हैं उनमें ये अब्सेंट होती है। ये लेयर जो है सेमी परमेबल नेचर की होती है, जो कि डाइजेस्टिव जूस और डाइजेशन जो प्रोडक्ट होते हैं उनको अलग करने का काम करती है। ये फूड को ल्यूब्रिकेट करती है, चिकना करती है, और फूड के मूवमेंट को फैसिलिटेट करती है, यानी कि फूड का मूवमेंट ठीक से हो
पाए, इसीलिए ये लुब्रिकेट करती है फूड को। जो हार्ड फूड पार्टिकल्स होते हैं उनको ये कवर करती है ताकि जो इपिथेलियल सेल है मिडगट की वो प्रोटेक्ट हो सके, उसको कोई हार्म ना हो, इसीलिए ये जो सॉलिड हार्ड जो फूड पार्टिकल्स होते हैं उनको एनवलप कर देती है, कवर कर देती है। इसके बाद है गैस्ट्रिक सीका। एक फिंगर लाइक आउटग्रोथ पाई जाती है मिडगट के इंटीरियर और पोस्टेरियर एंड में, उसे ही गैस्ट्रिक सीका बोलते हैं। ये जो है मिडगट के फंक्शनल एरिया को इंक्रीज कर देती है, गैस्ट्रिक सीका जो है मिडगट के फंक्शनल एरिया को इंक्रीज करती है, और ये सिम्बायोटिक बैक्टीरिया जो कुछ इंसेक्ट में सिम्बायोटिक बैक्टीरिया पाए जाते हैं उनके लिए शेल्टर भी प्रोवाइड करती है। इसके बाद है पाइलोरिक वॉल्व, जिसे प्रोक्टोडियल वॉल्व भी बोलते हैं। मिडगट जो है हाइंड गट में इस पाइलोरिक वॉल्व के थ्रू ओपन होता है, जो कि फूड के फ्लो को रेगुलेट करता है, यानी कि मिडगट और हाइंड गट के बीच में एक पाइलोरिक एक वॉल्व होता है जिसे पाइलोरिक वॉल्व बोलते हैं, जो कि फूड के फ्लो को रेगुलेट करता है। कुछ इंसेक्ट जो है उनकी इमेच्योर स्टेज में मिडगट जो है वो हाइंड गट से प्रूपेशन तक कनेक्ट नहीं रहता है, यानी कि कुछ ऐसे इंसेक्ट होते हैं उनकी इमेच्योर जो स्टेज होती है उसमें मिडगट और हाइंड गट कनेक्टेड नहीं रहते हैं। कब तक कनेक्ट नहीं रहते हैं? प्यूपेशन तक, उसके बाद ये कनेक्ट हो जाते हैं। जैसे कि हनी बीज के ग्रब हैं, उनमें ऐसी प्रोसेस होती है, उसमें मिडगट और हाइंडगट कनेक्ट नहीं रहते हैं। इसके बाद है फिल्टर चैम्बर। ये एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है जिसमें वेंट्रिकुलस के दो एंड और हाइंडगट की बिगिनिंग जो है वो एक सैक में इनक्लोज रहती है। ये जो है जो फिल्टर चैम्बर है ये होमोप्टेरा इंसेक्ट में जो लिक्विड फूड को खाते हैं उन इंसेक्ट में लिक्विड फूड में से एक्सेसिव वाटर को निकालने का काम करती है। ये प्रोसेस जो है डाइजेस्टिव एंजाइम के डाइल्यूशन को प्रिवेंट करती है, अवॉइड करती है, और जो फूड है उसको इफिशियंटली ये डाइजेस्ट हो सके इसके लिए हेल्प करती है। ये हीमोलिम्फ के डाइल्यूशन को भी प्रिवेंट करती है और ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करती है। इसके बाद है हाइंडगट। हाइंडगट एक्टोडर्मल ओरिजिन का होता है, जो कि एक्टोडर्म के पोस्टेरियल इन्वेजिनेशन से फॉर्म्ड होता है। इसमें इंटरनल क्यूटिकुलर लाइनिंग प्रेजेंट होती है, जो कि परमिएबल होती है साल्ट, आयन, अमाइनो एसिड और वाटर के लिए, यानी कि साल्ट, आयन, अमाइनो एसिड और वाटर को ये परमिएबल कर पास होने देती है, परमिएबल होती है इनके लिए। इसका मेन फंक्शन जो है हाइंडगट का वो है अब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर, साल्ट और जो अदर सबस्ट्रेट होते हैं, यूजफुल सबस्ट्रेट फ्रॉम द फेसेस और यूरिन, यूरिन और फेसेस में से कुछ सबस्ट्रेट होते हैं यूजफुल होते हैं, वो उनको भी अब्सॉर्ब करने का काम ये करती है। ये पूरा स्ट्रक्चर जो है डाइजेस्टिव सिस्टम का है, इसमें यहां से लेकर यहां तक फोरगट होता है, इसके बाद यहां तक मिडगट होता है, और ये यहां तक हाइंडगट होता है। इसमें यहां पर पाइलोरिक वॉल्व है, ये जो है ये क्रोप है, यहाँ पे स्टोमोडियल वॉल्व है, ये है गैस्ट्रिक सीका, ये मेलपिगियन ट्यूबल्स होती है, यहाँ लास्ट वाला पार्ट जो है ये एनस है, और ये माउथ है, और ये पूरी जो है ये पूरी एलिमेंट्री कैनाल है जो कि माउथ से एनस तक रहती है। इसी को तीन भागों में डिवाइड किया है, फोरगट, मिडगट और हाइंडगट में। तो ये पूरा स्ट्रक्चर जो है ये है डाइजेस्टिव सिस्टम का। हाइंडगट को भी थ्री डिफरेंट रीजन में डिवाइड किया गया है, इलियम, कोलन और रेक्टम। जो लार्वा होते हैं स्कैरेबिट्स और टर्माइट्स के, उसमें इलियम जो है एक पाउच लाइक होता है, ये सिम्बायंट
जो बैक्टीरिया होते हैं उनके लिए हाउसिंग का काम करती है और फर्मेंटेशन चैम्बर की तरह भी ये काम करती है। गट की क्या फिजियोलॉजी है उसके बारे में पढ़ते हैं। जो प्राइमरी फंक्शन होता है गट का वो होता है डाइजेशन ऑफ इंजेक्टेड फूड, जो अंदर लिया गया फूड है उसका डाइजेशन करना और मेटाबोलाइट्स को अब्सॉर्ब करने का काम ये करती है। जो डाइजेशन प्रोसेस है वो एंजाइम की हेल्प से होती है जो कि डाइजेस्टिव ग्लैंड के द्वारा सिक्रेट होते हैं और जो माइक्रोब्स होते हैं उनके द्वारा ये उनकी हेल्प से ये होती है डाइजेशन की प्रोसेस। एंजाइम जो कि डाइजेस्टिव ग्लैंड से सिक्रेट होते हैं और माइक्रोब जो कि कुछ स्पेशल सेल्स होती है उनमें रहते हैं ये माइक्रोब्स, तो उनकी हेल्प से डाइजेशन की प्रोसेस होती है। अब कौन कौन से डाइजेस्टिव ग्लैंड होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट है सलाइवरी ग्लैंड। कॉकरोच में एक पेयर ऑफ लेबियल ग्लैंड होता है जो कि सलाइवरी ग्लैंड की तरह काम करता है, जहां पर सलाइवरी डक्ट जो है ओपन होती है सलाइवेरियम में। कैटरपिलर जो होती है उनमें मैंडिबुलर ग्लैंड जो है वो मॉडिफाइड हो जाता है सलाइवा के सिक्रेशन, मतलब ये जो है मैंडिबुलर है वो सलाइवरी ग्लैंड की तरह ही ये एक्ट करता है। मैंडिबुलर जो ग्लैंड होते हैं कैटरपिलर में वो सलाइवा को सिक्रेट करते हैं, यानी कि सलाइवा सलाइवरी ग्लैंड की तरह काम करते हैं। सलाइवरी ग्लैंड जो है वो सिल्क प्रोडक्शन करने में भी यूज किया जाता है। कैटरपिलर्स में ये मॉडिफाइड होता है सिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड की तरह, यानी कि ये सिल्क प्रोड्यूस करता है। इसके बाद फंक्शंस ऑफ सलाइवा, फंक्शंस क्या होते हैं सलाइवा के। ये मॉइस्चर करता है और डिजोल्व करता है फूड को डिजोल्व करने के लिए यूज किया जाता है, मॉइस्चर करने के लिए यूज किया जाता है। ये माउथ पार्ट्स को ल्यूब्रिकेट करता है ताकि फूड फ्लो ठीक से हो पाए। गेस्टेटरी रिसेप्टर्स में ये फ्लेवर को भी ऐड करता है। कॉकरोच के सलाइवा में एमाइलेज एंजाइम होता है जो कि स्टार्च के डाइजेशन में यूज होता है। हनी बीज के सलाइवा में इन्वर्टेज एंजाइम होता है जो कि सुक्रोज के डाइजेशन के लिए होता है, यूज किया जाता है। सुक्रोज के डाइजेशन को डाइजेस्ट करता है ये। जेसिड के सलाइवा में लाइपेज और प्रोटीएज एंजाइम होता है, लाइपेज जो कि लिक्विड के डाइजेशन के लिए यूज होता है और ये टिश्यू नेक्रोसिस और फाइटोटेक्सिमिया जो प्लांट के पार्ट में होता है उसके लिए भी होता है। ये जो एंजाइम होता है ये लिपिड्स के डाइजेशन को करते हैं, टिश्यू नेक्रोसिस करते हैं और फाइटोटेक्सिमिया के भी करने में भी हेल्प करते हैं जैसे ग्रुप। प्लांट बग जो है उनके सलाइवा में पेक्टिनेज होता है, पेक्टिनेज एंजाइम होता है जो कि स्टाइलेट को पेनिट्रेट करने में हेल्प करता है और एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल डाइजेशन में भी हेल्प करता है। इसके बाद मॉस्किटो के सलाइवा में एंटीकोगुलिन होता है जो कि ब्लड क्लोटिंग को प्रिवेंट करता है। जो गॉल प्रोड्यूसिंग माइट जो होते हैं उनके सलाइवा में इंडोल एसिटिक एसिड पाया जाता है। डिसीज ट्रांसमिटिंग जो वेक्टर होते हैं उनमें सलाइवा जो है वो पैथोजन की एंट्री के लिए एक रास्ता प्रोवाइड करती है। इसके बाद है हेपेटिक सिका एंड मिडगट एपिथेलियल सेल। जो हेपेटिक सिका ये भी एक ग्लैंड है, ये बहुत सारे जो मोस्ट ऑफ डाइजेस्टिव जूस जो है उनको ये सिक्रेट करती है। जो हेपेटिक सिका है ये सिक्रेट करती है बहुत सारे जो डाइजेस्टिव जूस होते हैं उनको। टू टाइप्स की सेल इन्वॉल्व होती है एंजाइम सिक्रेशन में। फर्स्ट है होलोक्राइन, सेकेंड मेरोक्राइन। ये दो जो सेल होती है ये इन्वॉल्व होती है एंजाइम के सिक्रेशन में। होलोक्राइन सेल जो है इस टाइप की सेल में जो एपिथेलियल सेल होती है वो एंजाइम सिक्रेशन की प्रोसेस के दौरान जो है डीजनरेट हो जाती है। और मेरोक्राइन जो सेल होती है इसमें बिना किसी ब्रेकडाउन के, बिना सेल के ब्रेकडाउन के एंजाइम सिक्रेशन हो जाता है, यानी कि इसमें जो सेल होती है वो डीजनरेट नहीं होती है। इसके बाद डाइजेशन में क्या क्या चीजों को डाइजेस्ट कर सकते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं।
डाइजेशन कैसे होता है? जो प्रोसेस है डाइजेशन की, उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड इनके इनका डाइजेशन होता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड्स इनके डाइजेशन को ही डाइजेशन बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट इसका डाइजेशन किस तरह से होता है? जनरली जो इंसेक्ट होते हैं ये कार्बोहाइड्रेट को मोनोसेकेराइड के फॉर्म में ही अब्सॉर्ब करते हैं। अगर इन्होंने डाइसेकेराइड या पॉलीसेकेराइड के फॉर्म में इसको अब्सॉर्ब किया है तो ये पहले से मोनोसेकेराइड में इसको ब्रेक डाउन करते हैं, इसके बाद ही इसको अब्सॉर्ब करते हैं। डाइसेकेराइड में माल्टोज, ट्राइहेलोज और सुक्रोज आते हैं, ये डाइसेकेराइड होते हैं। सुक्रोज, माल्टोज और ट्राइहेलोज इनमें ग्लूकोज होता है जो कि अल्फा लिंकेज जो बॉन्ड होता है, अल्फा लिंकेज जो होता है उसके थ्रू ये कनेक्ट रहते हैं, लिंक्ड रहते हैं। ग्लूकोज जो है अल्फा लिंकेज के थ्रू इनमें लिंक्ड रहता है, और ये जो माल्टोज, ट्राइहेलोज और सुक्रोज जो है ये ग्लूकोज से ही बने हुए रहते हैं। ये हाइड्रोलाइज्ड किए जाते हैं अल्फा ग्लूकोसाइड, अल्फा गैलेक्टोसाइड, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, इनके द्वारा जो है ये हाइड्रोलाइज किए जाते हैं। ये जो एंजाइम होते हैं इनके द्वारा ये हाइड्रोलाइज्ड किए जाते हैं, यानी कि ब्रेक डाउन किए जाते हैं ग्लूकोज में, मोनोसेकेराइड के फॉर्म में ब्रेक डाउन होते हैं। पॉलीसेकेराइड में स्टार्च होता है, स्टार्च जो है एक पॉलीसेकेराइड है, ये ब्रेक डाउन होता है माल्टोज और ग्लाइकोजन में, माल्टोज और ग्लाइकोजन में, इसके बाद ये ग्लूकोज में ब्रेक डाउन होता है। पहले ये माल्टोज और ग्लाइकोजन में टूटता है, इसके बाद ये ग्लूकोज में टूटता है बाय द एक्शन ऑफ अमाइलेज एंजाइम के द्वारा। ये जो एंजाइम है ये 1,4 अल्फा ग्लूकोसाइडिक लिंकेज जो होती है पॉलीसेकेराइड्स में उसको हाइड्रोलाइज करता है, उसी की हेल्प से ये ग्लूकोज में ब्रेक डाउन होता है। हालांकि बहुत सारे इंसेक्ट जो प्लांट और वुड को फीड करते हैं उनमें कुछ इंसेक्ट जो होते हैं उनमें सेल्युलेज एंजाइम होता है जो कि सेल्युलोज को हाइड्रोलाइज करता है, सेल्युलोज को ब्रेक डाउन करने का काम करता है। और जिन इंसेक्ट में सेल्युलेज एंजाइम नहीं होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं सेल्युलोज के डाइजेशन के लिए। जिन एंजाइम में सेल्युलेज एंजाइम होता है वो तो इजीली ब्रेक डाउन कर देते हैं, और जिनमें नहीं होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं सेल्युलोज के ब्रेक डाउन के लिए। लाइटिक एंड स्कोलाइटिड्स, जो स्कोलाइटिड्स और लाइटिड्स होते हैं उनमें सेल्युलेज नहीं होता है, और जो एनीबीडी फैमिली के और कैरम्बाइसिडी फैमिली के जो इंसेक्ट होते हैं उनमें सेल्युलेज एंजाइम होता है। सेल्युलेज एंजाइम जो है वो सेल्युलोज को सेलोबियोज यूनिट में ब्रेक डाउन करता है, इसके बाद ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो है उससे ये हाइड्रोलाइज्ड होता है। जो सेल्युलेज एंजाइम है वो सेल्युलोज को सिर्फ सेलोबियोज जो यूनिट होती है उसी में ब्रेक डाउन करता है, उसके बाद सेलोबियोज जो यूनिट होती है इसको बाद में और हाइड्रोलाइज्ड किया जाता है बीटा ग्लूकोसाइडेज के द्वारा। स्कैरेबियोडी के लार्वा जो होते हैं उनमें सेल्युलेज एंजाइम नहीं होता है, ये रोटन वुड को फीड करते हैं जो कि बैक्टीरिया के द्वारा डाइजेस्ट किए जाते हैं। ये बैक्टीरिया पर डिपेंड करते हैं सेल्युलोज के, जो सेल्युलोज होता है उसके डाइजेशन के लिए। कुछ और वुड ईटिंग इंसेक्ट होते हैं जिनमें परमानेंट गट फ्लोरा और फ्यूना होते हैं जो कि सेल्युलोज को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। इसके बाद है प्रोटीन इंसेक्ट में प्रोटीसीज है इसकी एक सीरीज होती है, इनमें एक ट्रिप्सिन लाइक प्रोटीनेज होता है जो कि प्रोटीन को पेप्टोन्स में ब्रेक करने का काम करता है, और इसके मिड गट के द्वारा पॉलीपेप्टाइड्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। इंसेक्ट जो है इसके मिड गट के द्वारा ही पॉलीपेप्टाइड्स प्रोड्यूस होते हैं, और इसमें ट्रिप्सिन लाइक प्रोटीनेज होता है जो कि प्रोटीन को पेप्टोन्स में ब्रेक डाउन करने का काम करता है। इसमें इंसेक्ट में
पेप्टिडेज के द्वारा भी एक्ट होता है, पेप्टिडेज भी इसमें यूज किया जाता है ब्रेकडाउन में। बहुत सारे इंसेक्ट में पॉलीपेप्टाइड के फॉर्म में ही एब्जॉर्प्शन होता है इसका, आगे मतलब और डिवाइडेड ब्रेकडाउन नहीं होता है, पॉलीपेप्टाइड के फॉर्म में ये अब्सॉर्ब कर लेते हैं। कुछ इंसेक्ट जो है वो इनर्ट एनिमल प्रोटीन उसको डाइजेस्ट करने में भी एबल होते हैं, जैसे कि केराटीन, कोलाजन, ये एनिमल प्रोटीन होती है जिसको ये इंसेक्ट जो है डाइजेस्ट कर लेते हैं। केराटीन प्रोटीन जो है वो वूल, हेयर और फीदर्स में पाई जाती है। इसमें पॉलीपेप्टाइड की चेन होती है और सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स भी इसमें इंक्लूड होते हैं, जो कि सल्फाइड बॉन्ड के थ्रू लिंक्ड रहते हैं एक साथ। इसमें सल्फाइड बॉन्ड पाया जाता है। इसका एग्जांपल है मेलोफागा ऑफ बर्ड्स और डर्मेस्टिडी लार्वा। इसमें ये डाइजेशन होता है। इसके बाद है लिपिड्स। लिपिड जो है वो ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में ही इंजेक्ट किया जाता है इंसेक्ट के द्वारा। डाइजेशन में स्मॉल मॉलिक्यूल्स ऑफ डाइग्लिसराइड का प्रोडक्शन भी इन्वॉल्व रहता है। मोनोग्लिसराइड और फ्री फैटी मोनोग्लिसराइड एंड फ्री फैटी एसिड्स जो है इसमें होते हैं। कुछ एंजाइम्स जो है जो कि लिपिड्स के डाइजेशन में यूज किए जाते हैं, जैसे कि लाइपेज है। लाइपेज एंजाइम जो है वो इनसोल्युबल ग्लिसराइड जो होते हैं लॉन्ग फैटी एसिड्स के, उनके डाइजेशन में यूज किया जाता है। एस्टरेज एंजाइम जो है वो शॉर्ट फैटी एसिड के ग्लिसराइड जो है उनपे काम करता है, उनके डाइजेशन में इन्वॉल्व होता है। और जो फास्फेटेज एंजाइम है ये फास्फोलिपिड्स के डाइजेशन में हेल्प करता है। ये तीन एंजाइम होते हैं लाइपेसेस, एस्टरेसेस और फास्फेटेसेस। एक स्पेशलाइज्ड केस होता है लिपिड डाइजेशन का, वो है डीवेक्स। डीवेक्स का डाइजेशन बाय लार्वा ऑफ वेक्स मॉथ गैलेरिया। वेक्स मॉथ गैलेरिया है, इसके लार्वा के द्वारा डीवेक्स का डाइजेशन ये लिपिड डाइजेशन का ही एक पार्ट है। इंसेक्ट जो है लाइपेज, लेसिथिनेज और कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम का प्रोडक्शन करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं इन एंजाइम को। मोस्ट जो डाइजेशन होता है एस्टर्स और फैटी एसिड्स का, ये बैक्टीरिया की एक्टिविटी के थ्रू होता है। माइक्रोब जो कि डाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। इंसेक्ट की बॉडी में कुछ सेल्स ऐसी होती है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हाउसिंग का काम करती है। सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनको शेल्टर प्रोवाइड करती है। उन सेल्स को माइसेटोसाइट्स बोलते हैं। माइसेटोसाइट्स जो है वो एग्रीगेट होकर एक ऑर्गन का फॉर्मेशन करती है जिसे माइसेटोम बोलते हैं। फ्लैजिलेट प्रोटोजोआ होता है, ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ये जो है ये सेलुलोज को प्रोड्यूस करता है ताकि ये सेलुलोज जो होता है उसको डाइजेस्ट कर सके टर्माइट और वुड कॉकरोच में। टर्माइट और वुड कॉकरोच में पाया जाता है ये, जो कि सेलुलोज एंजाइम को सिक्रेट करता है सेलुलोज के डाइजेशन के लिए। बैक्टीरिया होता है जो कि हेल्प करता है वैक्स के डाइजेशन के लिए। वैक्स मॉथ जो होता है उसमें होता है ये। बेड बग और कॉकरोच जो है वो विटामिन और अमाइनो एसिड को ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम माइक्रोब्स, माइक्रोब्स से। ये माइक्रोब्स जो है वो ट्रांसमिट होते हैं इंडिविजुअल के बीच में थ्रू फूड एक्सचेंज के थ्रू। ये जो एंजाइम जो है ट्रांसमिट होते हैं माउथ टू माउथ फीडिंग करके, इसको प्रोपोलेक्सिस बोलते हैं। ये जो फूड एक्सचेंज, जो माइक्रोब जो है वो ट्रांसमिट होते हैं इंडिविजुअल्स में फूड एक्सचेंज के थ्रू, इसे ही प्रोपोलेक्सिस बोलते हैं। और अगर एग के थ्रू ये एक्सचेंज हो रहे हैं तो इसे ट्रांसवोरियल ट्रांसमिशन बोलते हैं। प्लांट बग और एंटेलियन ग्रब जो है इनमें होस्ट की बॉडी में ही फूड इंजेक्ट करने के पहले ही ये फूड इंजेक्ट करते हैं
फूड इंजेक्ट करने के पहले ही होस्ट की बॉडी में ही डाइजेशन हो जाता है, जिसे जो कि पार्शियल डाइजेशन होता है, यानी कि होस्ट की बॉडी में ही आधा डाइजेशन हो जाता है। इसके बाद ये प्लांट ग्रब और एंट्रिनियल ग्रब जो है वो फूड को इंजेक्ट करते हैं, इसे एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल डाइजेशन बोलते हैं। अधिकतर जो इंसेक्ट होते हैं उनमें डाइजेशन जो है मिडगट में ही होता है। इसके बाद एब्जॉर्प्शन, किस तरह से एब्जॉर्प्शन होता है, बहुत सारे इंसेक्ट में जो एब्जॉर्प्शन होता है न्यूट्रिएंट का वो माइक्रोविलाई के थ्रू होता है, जो कि मिडगट में होता है, और ये जो एब्जॉर्प्शन होता है डिफ्यूजन के थ्रू होता है। वाटर और आयन का एब्जॉर्प्शन जो है वो रेक्टम के थ्रू होता है। कॉकरोच में लिपिड का एब्जॉर्प्शन जो है वो क्रोप के थ्रू होता है। टर्माइट और स्कैरेबिट्स जो होते हैं उनमें एब्जॉर्प्शन इलियम के थ्रू होता है। जो सॉलिड फीडर होते हैं उनमें वाटर का रीऑब्जॉर्प्शन होता है फेसेस से, जो कि रेक्टम में होता है, और इनका जो फेसेस होता है वो लिक्विड लाइक होता है। फेस जो है सॉलिड फीडर का वो लिक्विड लाइक होता है। जो लिक्विड फेस होता है होमोप्टेरन बग का, जिसमें सुगर जो सोल्यूबल सुगर होती है और अमाइनो एसिड्स होता है, उसको हनी ड्यू बोलते हैं, जो कि आंट को फीड करने के लिए अट्रैक्ट करता है। ये हनी ड्यू जो है आंट को अट्रैक्ट करता है। आई होप गाइज आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है इंसेक्ट का, किस तरह से डाइजेशन करते हैं। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।